नमस्कार, मी संदीप देसाई। रिया चक्रवर्तीची पहिली मराठी मधली सुपर एक्सक्लुसिव मुलाखत न्यूज 18 लोकमतवर तुम्ही पाहू शकणार आहात थोड्याच वेळामध्ये। आता जी सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय, सीबीआय चौकशीला सामोरे जाण्यापूर्वी रिया चक्रवर्तीची सुपर एक्सक्लुसिव मुलाखत थोड्याच वेळामध्ये आता तुम्ही पाहणार आहात। रिया चक्रवर्ती नेमकी काय भूमिका मांडते, ही सगळी चौकशी चाललेली आहे, त्यावर पहिल्यांदा मुंबई पोलिसांकडून चौकशी करण्यात आली, त्यानंतर बिहार पोलिसांची या सगळ्यामध्ये एंट्री झाली। ते या दोन्ही बिहार पोलीस मुंबई पोलीस बाजूला पडल्यानंतर सीबीआयकडे हा तपास देण्यात आला। सीबीआय यामध्ये आहे, ईडीकडून चौकशी झालेली आहे रिया चक्रवर्तीची, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता याच्यामध्ये नार्कोटिक्स डिपार्टमेंटचा सुद्धा आता एंट्री झालेली आहे। त्यामुळे सीबीआय, ईडी आणि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट या तीन केंद्रीय यंत्रणांकडून रिया चक्रवर्तीची versions have come out in the public domain. Several WhatsApp chats, several source-based information, several call details, all implicating one person. The woman who has been at the center of all this and is today CBI's accused number one has been questioned by the Enforcement Directorate for 3 days. Rhea Chakravarti is joining us live. Rhea, why have you chosen to break your silence after 75 days? Ma'am, as respect to the person who lost his life, as regard to the agencies that were investigating, and I was brought to this point, is raah pe aakar mujhe rakh diya hai, jab sari baatein bahar khul chuki hain, jab WhatsApp chat se lekar, call log se lekar, rubbish rumors, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां मन घड़न बनती जा रही हैं, मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दी जा रही हैं, मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं, क्योंकि ये एक तरफा कहानी जो है, इस एक तरफा कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अब मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की तरफ कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं। सच्चाई क्या है रिया, सुशांत की मौत कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है? मैं ये जानना चाहती हूँ, और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि सीबीआई जैसी एपेक्स इंस्टीट्यूट इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सब ये जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, जब उनकी सिस्टर नीतू जी उनके साथ थी और भी लोग वहां थे, ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ऐसा स्टेप लिया, या ये इसमें कोई फाउल प्ले है? इस बात को जानने के लिए आपको नहीं लगता दैट आई वुड बी द पर्सन हु मोस्ट वांट्स टू नो दिस, हु मोस्ट वांट्स टू फाइंड आउट द ट्रूथ, हु मोस्ट वांट्स टू, इफ दिस इज अ फाउल प्ले, अवेंज द डेथ ऑफ माई लवर? सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ही हुआ होगा, और सबसे ज्यादा इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाना ये मेरी प्रॉब्लम है। मुझे आज तक ये नहीं लगता कि वो यहाँ नहीं है, मुझे आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे लगता है कि वो मुझे शायद पिकअप करने आएगा। रिया, यू नो 8th की बात, 8th और 14th के बीच में क्या क्या हुआ वो हम लोग आगे बात करेंगे। हम आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं जो आपने 1 मंथ के बाद सुशांत की डेथ के लिखा था। आपने कहा था, रिस्पेक्टेड अमित शाह सर, I am Sushant Singh Rajput's girlfriend, Rhea Chakravarti. It is now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. However, in the interest of justice, I request you with folded hands to initiate a CBI inquiry. I am curious, kya aap suspect kar rahi thi ke aapne demand kiya CBI probe? Yahi baat janna chahti thi, mere us message mein एक लाइन ये भी है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड हिम टू टेक सच ड्रास्टिक स्टेप्स, अगर ये सुसाइड है तो ऐसा क्या हुआ उन दिनों में, क्योंकि मैं वहां नहीं थी और मेरी उनसे बात नहीं हुई। मैं यही बात जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ, इसीलिए मैं चाहती थी और चाहती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस बारे में। यू डोंट सी दिस एज अ सुसाइड केस, ये सुसाइड आपको नहीं लगता, क्योंकि आप बोलती हैं कि क्या हुआ तो कुछ भी हो सकता है, आप ये मानती हैं?
जी मैम, मैं नहीं जानती क्या हुआ, इसलिए मैं भी जानना चाहती हूँ। देन व्हाई डिड यू मूव द सुप्रीम कोर्ट? पहले आप सीबीआई कोर्ट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डिमांड करती हैं, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट मूव करती हैं, ऐसा क्यों डिसीजन लिया आपने? क्योंकि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब सीबीआई वाज नॉट इन द पिक्चर मैम, तब बिहार पुलिस वाज इन द पिक्चर। मैं ऑलरेडी मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही थी, उतने में बिहार पुलिस भी एक एफआईआर लेकर यहाँ आ गई जो कम्प्लीटली बेसलेस था। और मुझे नहीं समझ आया कि अब मुझे मुंबई पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है या बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है। मैंने कभी अपने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में ये नहीं कहा कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए, मैं तभी भी सीबीआई इंक्वायरी ही मांग रही थी। लेकिन उस दौरान जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था तब बात सीबीआई इंक्वायरी की नहीं थी, बात ज्यूरिसडिक्शन की थी। चलिए, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक ड्रग्स एंगल अब सामने आया है रिया। व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड द टैलेंट मैनेजर जया साह, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस। मार्च 2017 में आप कहती हैं गौरव आर्या को, इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स आई हैवन्ट बीन डूइंग टू मच। फिर आप बोलती हैं ट्राइड एमडीए में वंस, यू हैव एमडी। इसका क्या मतलब है? Isn't this in complete contrast to what you have been saying that you have never consumed drugs? Ma'am, I've absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because I'm abhi bhi mera investigation hone wala hai NCB ke saath aur yahan main kuch bhi statement dungi it can affect the investigation there, but I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. Another WhatsApp conversation between you and Jaya Saha, November 2019 ka hai. Aap keh rahi hain about four drops, unhone bola hai just use four drops in coffee, tea or water and let him sip it. Then she is saying give it 30 to 40 minutes for it to kick in. Did Sushant know that you were giving him drugs? Firstly, I never gave him anything. It was a conversation between him and the lady in concern. He was asking about alternate therapy for anxiety, and this particular thing, I don't know what it is exactly. And again, I would like to say I never gave him anything. In case he took something or not, he would definitely do it himself. And I continue to keep my stand that I have never done anything, I have never made him do anything, and I would like to save the rest for when my investigation goes on. Then aap April 2020 ka ye conversation hai Samuel Miranda ko, hi Ria, this stuff is almost finished. Then Samuel Miranda is telling you, can we take this from Shovik's friend, but he only has hash and BUD. ab ye kya, ye pura ab investigation ka part hai? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि आप कोई ड्रग रैकेट में अब इन्वॉल्व्ड हैं, आपका क्या डिफेंस होगा? मैम, ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहां थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। And that's why I have faith ki jo investigation agency is baat ko investigate karegi, they will come to the truth of it. And unfortunately, I still have to be part of that investigation. Hence, I would not like to go into further details about this. But I stick to my stand and I deny all allegations. You are saying that Sushant used to consume a drug called marijuana. Kya hai wo, matlab kab pata chala tha aapko? Kyunki your relationship with him began in April 2019. When did you realize that he was into drugs? Ma'am, he used to do it even before he met me. He probably started it 2 years before he met me, probably around the time of his Kedarnath shoot or even before that. And he had other people living with him at that point. And he was always doing it even before he met me. And in fact, my role in this only was to try and help him to stop it, reduce it. And that's in fact the only place where I was trying to control him. In fact, these chats are all out of proportion. There is a chat between me and his manager Shruti Modi where we are discussing that how he needs to stop taking any of these substances, how he needs to stop smoking marijuana and how he needs to get better. You know, Sushant's father KK Singh ne apne FIR mein kaha hai ki aap unke bete ko ओवरडोज करती थी ऑन साइकोटिक ड्रग्स
and today he has also called you a murderer. मैम अब यही बचा था, बाकी सारे एलिगेशंस तो इन्होंने मेरे पे ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्या क्या नहीं बोला है. लेकिन बात ये है कि सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने, बहुत बड़े. वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा. उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शंस सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर होती थी, और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी. वो उनका प्रेरोगेटिव था, उन्होंने डिसाइड किया था. अगर मैं उन्हें फोर्स कर रही होती तो मैं उन्हें बंद क्यों करने देती. और तीसरी बात, पॉइजन हिम, ये इससे बेतुका एलिगेशन मैंने नहीं देखा है. इट्स वेरी सैड कि इस लेवल तक के एलिगेशन लग रहे हैं मेरे पे. ना ही मैंने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब की हैं और ना ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही थी. उनके बकायदा 5 डॉक्टर्स थे. मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया जाता है, ये लोग क्यों नहीं बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, व्हाट वाज ही सफरिंग फ्रॉम एंड व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रीटमेंट. बिकॉज नाउ दैट एवरीथिंग इज ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज. मैं डिड यू एवर अकंपनी सुशांत टू हिज साइकियाट्रिस्ट, बिकॉज आप 5 साइकियाट्रिस्ट के बारे में बोल रही हैं, किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास आप सुशांत के साथ गई थी, और क्या ये साइकियाट्रिस्ट आपके थ्रू उनको मेडिसिन देते थे? जी नहीं मैम, मैं उनके साथ जरूर जाती थी, बट इन साइकाइट्री एंड थेरेपी डॉक्टर पेशेंट के कॉन्वर्सेशन में यूजली द थर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू सिट विद देम. तो मैं बाहर वेट करती थी और उनके बीच में जो बातें होती थी वो प्रिस्क्रिप्शन हमें देते थे. हम हाउस स्टाफ या मिरांडा या किसी से मंगाते थे, और सुशांत टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ खुद लेता था. अगर वो ट्रैवल कर रहा होता था तो मैं उसे ऐसे मैसेज भेजती थी कि बेबी डोंट फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिंस, जो मुझे लगता है एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इतना कम जाना समझा जाता है इस कंट्री में, इसलिए इसे साइकोटिक ड्रग्स बुलाते हैं. एक्चुअली ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं. ये एक इंसान जो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंग्जाइटी से गुजर रहा है उनकी हेल्प करता है. ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं अवेलेबल होती हैं. एक डॉक्टर को फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन देनी पड़ती हैं. सुशांत जब जब मेडिकेशन पे था नवंबर टू जैन, तब हर हफ्ते उनके प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट से वो मिलता था और वही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते थे. मेरा रोल सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और एक कंपेनियन का था. अगर उन्हें कोई और भी बीमारी होती और उनकी दवाइयां होती, मैं बस उन्हें टाइम टू टाइम ये बात याद दिलाती थी कि बाबा आपकी दवाइयां ले लो. और इस बात में ऐसी क्या क्रिमिनल बात है अगर आपके बॉयफ्रेंड या आपके पति या आपके भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, कि और डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब किए, क्या आप उन्हें नहीं कहेंगे कि दवाइयां लेना मत भूलना? रिया, तो वो नवंबर से जनवरी के बीच में कैसे पता चला सुशांत को कि उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ का क्राइसिस था, और 5 डॉक्टर्स के पास क्यों जाते थे? Did he not trust any of his doctors, and why did you accompany him? You're also saying that you were just being a supportive partner here in everything. Then why is his family alleging that जो WhatsApp में KK Singh ने आपको बात की कि मुझे हक है अपने बेटे की mental state जानने का, लेकिन आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया? जिस दिन सुशांत के पिताजी ने मुझे ये मैसेज भेजा था, उस दिन हम लोग हिंदुजा हॉस्पिटल में थे, और सुशांत ने अपने पिताजी से उसी दिन 4 घंटे के अंदर अंदर उन्हें फोन किया. ये सुशांत के कॉल लॉग में जरूर होगा. आप मुझे बताइए, अगर आप किसी के साथ हैं और आप कहते हैं कि आपके पिताजी का मैसेज आया है, जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूँ, जिनसे आप भी नहीं मिलते हैं, और ये बोल रहे हैं मुझे, मैं क्या जवाब दूँ? और जिसके साथ आप हैं वो कहे आप रहने दीजिए, मैं बात करता हूँ, आप मत पढ़िए इसमें, तो क्या आप पढ़ेंगे उसमें या आप बोलेंगे ठीक है, एज लॉन्ग एज आप बात करें? और उन्होंने बात की, क्योंकि उसके बाद श्रुति मोदी को भी उनके पिताजी ने मैसेज किया, और ये मुझे अब न्यूज के थ्रू ही पता चला है कि मेरी सुशांत से बात हो गई है और मैं आना चाहता हूँ, मेरी फ्लाइट बुक कर दो. अगर आपकी सुशांत से बात हो गई है तो आप ये कैसे अलेज कर रहे हो कि मैंने बात नहीं करने दी? तो सुशांत और उनके फादर में क्या इक्वेशन था आपके मुताबिक? सर मैम, मेरे मुताबिक उनके फादर उन्हें यंग एज में और उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे, एंड ही वाज वेरी अपसेट बाय दैट. ही लव्ड हिज मदर, उनको अपनी माँ से बहुत ही प्यार है, और वो उन्हें बहुत मिस करते थे आफ्टर शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली एट अ यंग एज.
एंड ही हैड उनका उनका रिश्ता जब मैं उन्हें 2019 में मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने पिताजी से 5 साल से नहीं मिला हूँ और अब मैं जाऊँगा तो मैं 5 साल बाद मिलने वाला हूँ. और ना मैंने उन्हें कभी रोका, ना मैंने उन्हें कभी टोका है किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी स्टाफ के हायरिंग के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में. वो वही करते थे जो वो चाहते थे. ये माना जा रहा है और उनकी फैमिली का एलिगेशन है कि अप्रैल 2019 में जब आप उनके साथ शिफ्ट हुई उनके अपार्टमेंट में, उसके बाद आपने उनके सारे स्टाफ को बदल दिया. यू टुक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हिज हाउस होल्ड. मैम इट्स एक्चुअली कम्प्लीटली फॉल्स बिकॉज जो लोग पिछले 1.5 साल से सुशांत के साथ रह रहे थे और उसके साथ काम कर रहे थे, नेमली सिद्धार्थ पिठानी को, वो मुझसे पहले से जानते थे. जब मैं उस घर में आई सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी वहाँ रहता था. मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है ऑलरेडी सुशांत के हाउस मैनेजर है, जिनको इनफैक्ट उनकी सिस्टर प्रियंका ने ही हायर किया था. उसके अलावा उनके कुक केशव ऑलरेडी उनके कुक थे, जिन्हें ना मैंने हायर किया ना मैंने फायर किया. उनके बॉडीगार्ड साहिल ऑलरेडी उनके बॉडीगार्ड थे. तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने किसको निकाला है और मैंने किसको लाया है. तो क्या आपने कोई हायर नहीं किया? Were you not trying to control the household as the family is alleging through these staffs? Absolutely not. Sushant was a man who did exactly what he wanted. If he asked me to leave, I had to leave. If he didn't want to take medications, he wouldn't take medications. If he wanted to go to Chandigarh, he would go to Chandigarh. If he wanted to do something, he would do it. Are you responsible for also breaking his ties with his sisters? That is what the family says, that aapke aane ke baad April 2019 mein jab aap unke ghar ke andar aayi, uske baad aapne aisa mahol kar diya that his sister, and because you accused his sister of molesting you, uske baad equation kharab hua. Ma'am, if you've seen the chats of April 2019 from Sushant to me, him and his sister Priyanka had a fight in April when this incident took place. The very next day I was not present in the house. They had a fight. Unki ladai mein Sushant ne mujhe message kiya hai ki wo unki behan ko message kar raha hai ki aapne sharab ke nashe mein aisa bura kadam uthaya hai, you have molested under the influence of alcohol. उनका मैसेज है उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ को कि भाई आप तो जानते हैं किस क्या क्या कर सकती हैं, अभी ये मुझे मैनिपुलेट कर रही हैं, शी इज प्लेइंग द विक्टिम कार्ड. ये सुशांत का मुझे मैसेज है, मेरा सुशांत को नहीं है. बट व्हाई डिड ही सेंड दैट मैसेज? इज दिस एन इंडिकेशन दैट ही वाज नॉट हैविंग अ गुड इक्वेशन विद हिज सिस्टर्स, व्हिच इज कॉन्ट्रेरी टू द वीडियोस दैट हैव बीन पुट आउट इन द पब्लिक डोमेन, रिया, दैट ही वाज अ फैमिली मैन, दैट सुशांत हैड ग्रेट इक्वेशन विद हिज सिब्लिंग्स. वो एक अच्छे भाई थे जो अपनी भतीजी को मेंटोर भी करते थे, उसके अलावा बहुत अच्छा इक्वेशन था उनका और उनकी चार बहनों के साथ. तो फिर क्यों नहीं मिलते थे वो लोग? तो फिर जब वो आते थे एक एक दिन में, ऐसा क्या हो जाता था कि वो लोग बिछड़ जाते थे? अगर मैं उसे कंट्रोल कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया, वहां पे रहा जनवरी में, एक दो दिन में वो वापस आ गया. मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है, वो खुद आया. इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और बुद्धा सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गए. मैंने कहा, मुझे लगा एक दो महीना रह के आएंगे, दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट. तो उन्हें उन्होंने उसे आने क्यों दिया, वापस क्यों आने दिया? अगर उन्हें लगता था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूँ, मैं उसका घर चला रही हूँ, ये सारे एलिगेशंस उन्हें लगते थे, सो व्हाई वुड दे अलाउ हिम टू लीव? ओके, वन पर्सन हुज रेफरेंस इज कमिंग इन द केस अगेन एंड अगेन is film director Mahesh Bhatt. This WhatsApp exchange took place on 8th between Bhatt Saab and you. You are saying he unclipped your wings. Why did you reach out to Mahesh Bhatt? And why does this chat give an impression ke unko aapki zindagi mein jo bhi ho raha tha sab pata tha? Aur ye 8 tarikh ko conversation kyun hui? भट्ट साहब इज लाइक अ फादर फिगर टू मी. आई नो ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन चैट्स में साफ साफ लिखा है कि वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं. वो ही सेइंग गिव माय लव टू योर फादर, आपके पिताजी को मेरा रिगार्ड्स दीजिए. 8 तारीख को जब मैं घर आई, मैं बहुत ही टूटी हुई थी. आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी. मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1.5 साल से ध्यान रख रही थी, तुम घर चली जाओ. और मुझे कोई रीजन नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ था. ऑल्दो ही सेड घर जाके ठीक हो जाओ,
क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, बट ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी बैड प्लेस टू बी इन. कोई भी आपको ऐसा बोल दे कि आप चले जाओ, आप किसी का ध्यान रख रहे हो एक साल से, आप उसे प्यार करते हो, आप सब कुछ शेयर करते हो उनके साथ, और वो आपको ऐसे जाने को बोले तो आपको बुरा लगेगा, आप टूटोगे. नहीं, लेकिन कब बोला था ये और 8 तारीख को क्यों बोला था, और आप 8 तारीख को क्यों निकली? क्योंकि हम भट्ट साहब और आपका कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं, वो बोलते हैं डोंट लुक बैक, मेक इट पॉसिबल, व्हाट इज इनएविटेबल, यू आर माय चाइल्ड, थैंक यू फॉर बीइंग ब्रेव. ऐसा क्या हो रहा था उससे कुछ दिन पहले तक कि यू डिसाइडेड टू लीव हिज हाउस, एंड व्हाई डिड यू लीव हिज हाउस, द हाउस ऑफ द मैन यू लव, जिनके साथ आप अप्रैल 2019 से रह रही थी 8 जून को? मैम, पहला रीजन ये है कि उनकी वो कूल शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और ये अक्सर होता था जैन में भी, वो पावना शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे. इनफैक्ट मई में उन्होंने अपने लॉयर से भी बात किया, एंड ही वाज वाइंडिंग अप, उन्होंने अपने पावना का घर का लीज भी पे ऑफ करने की प्लानिंग की. कूर्ग में वो घर भी ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए. उसके अलावा वो चाहते भी थे कि मेरी मेंटल स्टेट जो खराब हो रही थी, मुझे काफी एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे थे, कि मैं घर जाके ठीक हूँ, मैं थोड़े दिन अपना ख्याल रखूँ. लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे जाने को बोला, एकदम अब्रप्ट मुझे लगा. हालांकि 2-4 दिन से वो मुझे कह रहे थे. 8 जून को मेरी थेरेपी सेशन बुक थी डॉक्टर सुजन वॉकर के साथ, 11:30 बजे की, उनके घर पे ही मैं करने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ. उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ. तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं. मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी. उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं. और ऐसा अक्सर होता था कि सुशांत जब अपनी फैमिली के साथ होता था तो मैं अपने घर में होती थी, और ऐसा भी हुआ है कि मीतू जी और सुशांत के घर में, और मैंने उनके साथ एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स भी किया है 6 दिन जनवरी 2020 में. तो मुझे एक्चुअली उनका बिहेवियर समझ में नहीं आता है कि अगर उनको मुझसे इतनी दिक्कत थी तो वो जैन में मेरे साथ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स क्यों कर रही थी. और दूसरी बात, जब मैं वहां से गई, वो वहां आई थी, वो वहां रह रही थी उनके साथ, तो मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ दिया. उनकी बहन थी, उनकी फैमिली थी उनके साथ. मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा. मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर, मुझे लगा कि ही इज डन विद मी. और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल, कि शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर. क्योंकि पहले जब उन्होंने मुझे जाने को कहा था तो 24 घंटे के अंदर वो मुझे जरूर फोन करके वापस बुला लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था. और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई जिक्र किसी के थ्रू या मुझे नहीं बताया कि आई नीड यू कम बैक. और इस चीज ने मुझे बहुत तोड़ दिया था. मेरे में हिम्मत नहीं थी आगे बढ़ने की, और इसलिए मैं भट्ट साहब से एडवाइस ले रही थी. मैं उन्हें कह रही थी कि मेरे में अब दम नहीं रहा, अब मैं क्या करूं. तो क्या रिया, यू एंड सुशांत फॉट रेगुलरली, इसलिए वो सिचुएशन शायद 8 तारीख को एग्रोवेट हुआ, या 8 तारीख का ये भी बोला जा रहा है रिया दैट दिस हैज टू डू विद दिशा सालियान. दिशा सालियान सुशांत की एक्स मैनेजर थी, उनके डेथ से कुछ रिलेशन है 8 तारीख का. हाउ क्लोज वाज सुशांत टू दिशा सालियान? मैम, मैं उन्हें एक ही बार मिली हूँ, जब वो सुशांत के घर आई थी मार्च या फेब्रुअरी या मार्च में, जब व्हेन शी बिकेम हिज मैनेजर. आई ओनली मेट हर वंस. अदर देन दैट मुझे नहीं पता कि सुशांत की उनसे कितनी बात होती थी या नहीं होती थी. मुझे बस पता है कि उन महीनों में वो उनकी मैनेजर थी. कॉन्ट्री की सब लोग बोलते हैं आई वॉज कंट्रोलिंग हिज लाइफ, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि वो किस किस से क्या क्या बात करते थे, सिवाय जो वो मुझे बताते थे एज अ कपल इन कॉन्वर्सेशन, की आज ये हुआ, आज इसने ऐसा बोला, आज उसने वैसा बोला. तो आई रियली डोंट नो कि ऐसा कोई कनेक्शन है उनके बीच में, ऐसा कुछ हुआ था. आई डू नो कि उनकी जो दिशा सालियान की डेथ की न्यूज आई, उसे डेफिनेटली ये बात उस सुशांत को लगी होगी कि अब उसका नाम जुड़ जाएगा इससे, और इसका बहुत बड़ा ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि वो उनकी मैनेजर थी. और ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि मैम आज मेरे साथ भी यही हो रहा है ना. अगर आप किसी को जानते हैं और आप इस इंडस्ट्री में हैं, और सुशांत इज अ मच बिगर स्टार
और आपके क्लोज सराउंडिंग्स में किसी के साथ कुछ हो जाता है तो आपका नाम ड्रैगन जरूर होता है. और आज यस गो अहेड. और मुझे एक्चुअली मैंने सीबीआई इंक्वायरी इसलिए मांगी थी और एक्चुअली इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा स्टेप अगर उसने लिया है तो क्यों लिया है. और अगर इसमें कोई फाउल प्ले है तो डेफिनेटली वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत. नो हाउ मच इंपैक्ट डिड दिशा सालियांस डेथ हैव ऑन सुशांत सिंह राजपूत. मैम आई वाज नॉट इन टच विद हिम देन एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन. लाइक आई सेड मेरी खुद की मानसिक स्थिति एंग्जाइटी अटैक्स चल रहे थे. आई वाज ट्राइंग टू हील और मुझे उस वक्त लग रहा था कि सुशांत मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं और वो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं. तो मैं उस हर्ट और पेन के सिचुएशन में थी. सो आई डोंट नो एंड आई वांट टू नो. ओके सो ऑन द एलिगेशन ऑफ हार्ड डिस्क डिस्ट्रक्शन आपने कहा है कि इट्स अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी मच लाइक सेवरल अदर्स डूइंग द राउंड्स. सो आर यू सजेस्टिंग दैट दीज स्टोरीज आर बीइंग फैब्रिकेटेड टू मलाइन यू. And who, according to you, is doing this and why? Kaun kar raha hai isko? Absolutely, ma'am. It's quite evident that his family is constantly making false allegations on me again and again and again. First, they made the financial allegation. Where is that 15 crores? If it was there, it would have definitely been found. This is absolutely bizarre. Wo 15 crore ka allegation jab nahi stick hua, to unhone ye ab naya drugs ka allegation laga diya. Uski investigation shuru hone ke pehle. एंड दे डोंट उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है. अगर आपने कंप्लेन फाइल भी की है तो अब जो कंसर्न अथॉरिटीज काम कर रही है आप उन्हें काम क्यों नहीं करने देते. अब बार बार ये आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ये कहानी बाहर डाली है. मुझे सच में नहीं पता ये कहानी किसने बाहर डाली है. पर एज फार एज दिस हार्ड ड्राइव एंड समबडी कमिंग कोई आया था मेरे रहते तो कोई नहीं आया था सुशांत के घर पे. लॉकडाउन चल रहा था. सिर्फ जिस दिन मैं गई हूँ उनकी बहन आई थी. मुझे किसी हार्ड ड्राइव के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे जरूर लगता है कि ये भी उनमें से एक बेसलेस स्टोरीज हैं जो बनाई गई हैं मेरे बारे में. और ये जो विच हंट है कि सब कुछ मैंने ही किया है. अब तो ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी होगी तो मैंने ही किया है. सब कुछ मैंने ही किया है. मतलब एक बहुत बड़ा विलन मिल गया है सब लोगों को. जस्ट बिकॉज आई वॉज अ गर्ल आई वॉज द मोस्ट वीक एंड वल्नरेबल पर्सन. इस सिचुएशन में सबसे कमजोर पर्सन मैं हूँ क्योंकि लॉस मेरा है पेन मेरा है. मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है. दुनिया मुझे एक गर्लफ्रेंड की नजरों से देखती है और फैमिली को ऑब्वियसली ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट और उनका पेन ज्यादा समझती है. और मुझे मलाइन करना बहुत इजी है. मुझे बना दीजिए ब्लैक मैजिक वाली चुड़ैल गोल्ड डिगर ये वो. हजारों एलिगेशंस लगाए गए हैं मुझ पर और मुझे एक मौका तक नहीं दिया जाएगा अपनी एक फेयर ट्रायल करने के लिए. मैं 2 इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी हूँ. साथ साथ मेरे घर के नीचे मीडिया ट्रायल हो रहा है. मेरे घर के बाहर 40 लोग थे. आज मेरे वॉचमैन को चोट लगी है. मेरे पिताजी का कॉलर खींचा गया है. मैं बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ और मेरे पास ये दरख्वास्त है कि मैं हर एक को चीज़ कर रही हूँ जो मुझसे मांगी जा रही है. हर एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन रही हूँ मैं और मेरा परिवार. आप प्लीज़ लेट मी हैव अ फेयर ट्रायल. Riya, since the investigating agencies have questioned your brother and your father, ek allegation hai that you and Samuel Miranda were using Sushant's money for your personal needs. That aap Sushant ka pin use karti thi aur unke card ke details the aapke paas. Were you living off his money and did your entire family, including your father, your brother, move in with you when you started the live-in relationship with Sushant Singh Rajput? Absolutely not. ये सब बहुत ही बड़ा झूठ है. पहली बात उन्होंने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए. हाँ हम लोग एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो होता है कि yes he took me on that trip. हालांकि मेरी टिकट्स बुक थी उन्होंने कैंसिल करके आगे का ट्रिप बुक किया. उसके अलावा मैं आई यूज टू फेंड फॉर माई ओन सेल्फ. मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ. जस्ट बिकॉज मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी मैं फ़ायदा उठाने लगूँ. जी हाँ वो मुझसे प्यार करते थे. एज अ गर्लफ्रेंड वो मुझे खुश रखते थे. लेकिन ऐसे कोई खर्चे नहीं किए उन्होंने मेरे पे जो मैंने उनसे करवाए हैं.
एज अ नॉर्मल कपल कभी कभी वो जारा से जारा के बिल्स पे करते थे, कभी कभी मैं, उन्होंने मुझे एक मेरे बर्थडे पे घड़ी गिफ्ट की जो कि 4 या 5 लाख की थी, मैंने उन्हें उनके बर्थडे पे एक घड़ी गिफ्ट की जो 4 लाख की थी, हालांकि वो मुझसे बड़े स्टार थे। ये बात कोई क्यों नहीं कहता कि मैंने भी उन पे 4 लाख रुपए खर्च किए हैं, और 20-20 हज़ार के बिल्स निकाल निकाल के हमारे रिलेशनशिप का इतना गंद उछाला जा रहा है। आप मुझे बताइए, अगर आप एक कपल हैं तो क्या आप एक दूसरे पे थोड़े बहुत खर्चे नहीं करेंगे? टेल मी, व्हाई डिड यू नो देयर आर एलिगेशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल अगेंस्ट यू? सुशांत एंड यू ran certain companies together, and the involvement of your brother as well. What was the need of including Souvik Chakravarty as director in these companies? Did you insist when Sushant was creating these companies? It was actually the opposite. Sushant insisted that Souvik be part of this company. It will be quite clear from Souvik's chats as well that Sushant was very keen. He was the one who used to always call him to come over, ghar aaja, come bhai, let's hang, I have a new idea. Sushant ek bahut hi unke paas bahut sare acche se ideas rehte the, and he often liked to discuss it, unko share karne mein maza aata tha. He liked inspiring young boys. Souvik unhe ek bade bhai ki tarah dekhte the, wo usse inspired the. Wo hame, mujhe bhi actually kafi kuch sikhate the. Artificial intelligence aur virtual reality ke bare mein unhone hame bahut kuch sikhaya. Souvik unse काफी इन बातों से काफी एक्साइट होता था, और शायद वही एक्साइटमेंट और वही म्यूचुअल बॉन्डिंग देके सुशांत वाज कीन। सुशांत चाहता था कि शोविक भी पार्टनर बन जाए, और पार्टनर बनने का सिर्फ यही मतलब है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल थिंक कंपनी ये होता है वो होता है, कि हमने 33,000 ईच अपने अपने अकाउंट से डाले हैं सिर्फ 33% ईच पार्टनर्स बनने के लिए। उस कंपनी में एक भी ट्रांजेक्शन ना आया है ना गया है उसके अलावा, और मेरे भाई की 33,000 नहीं भरे हैं। रिया, फैमिली का जो FIR में चार्ज है कि आपने 15 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत का ले लिया, यू हैव स्विंडल्ड ऑफ 15 करोड़ रुपीज, ये 15 करोड़ का क्या हुआ है? मैम, ये सबसे बेसलेस एलिगेशन है, बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि 15 करोड़ ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद किसी को मिली नहीं। मेरी मुंबई पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने भी ये सारी चीजें ऑब्वियसली देखी है, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिए हैं, ईडी के साथ मैं अंडरगो कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन। ये 15 करोड़ है कहाँ? ये ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि गायब हो जाएगी, अगर होते तो होते तो मिल जाते मेरे अकाउंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं। ना सुशांत ने मुझे 1 रुपया कभी ट्रांसफर किया है, ना मुझे, ना मेरी फैमिली को। कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट? एब्सोल्युटली नॉट। जॉइंट प्रॉपर्टी? बिल्कुल भी नहीं। रिया, संदीप सिंह कौन है? ये एक्चुअली सवाल मुझे भी नहीं पूछना है कि संदीप सिंह कौन है, क्योंकि 1.5 साल में जब मैं सुशांत के साथ रही हूँ, मुझे नहीं पता चला है उनका नाम, कभी उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया उनका, ना वो कभी घर आए हैं, और मुझे नहीं लगता उन्होंने उनसे कभी बात भी की होगी। डिड यू, यू नो, देयर आर इमेजेस ऑफ यू विजिटिंग द मॉर्चरी एंड यू से सॉरी बाबू। What am I supposed to say? I am sorry you lost your life. I am so sorry. अब क्या बोलेंगे? How has this been misconstrued? How is I am sorry? This is the witch hunt. कि I am sorry में भी problem है। मैं और क्या बोलती हूँ उसे? I am sorry you lost your life. उनकी बहन श्वेता सिंह कृति ने भी उनके पासिंग अवे के 2 दिन बाद अपने इंस्टाग्राम पे ऐसा ही पोस्ट डाला था कि आई एम सॉरी, आई न्यू यू वर सफरिंग, और फिर वो निकाल दिया था। क्या लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये कितना मैनिपुलेटिव गेम है? उन्होंने 2011 में, उनकी बहन श्वेता सिंह कृति ने अपने फेसबुक पेज में मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, अपने मॉम के मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है, उन्होंने बोला है वो कितनी पैशनेट है इस सब्जेक्ट को लेकर, और वो कुछ खोलना चाहती हैं अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट, और फिर उन्होंने जब पटना में FIR हुआ वो निकाल दिया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, ये कोई क्यों नहीं देखता? वो लोग बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, और मैं, अगर मैं अपने लव्ड वन को देख के
उनकी बॉडी को देख के आई एम सॉरी बोलूं तो मैं दुनिया की सबसे खराब औरत हूं? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? Ria, you have faced a volley of abuses online. आपको विश्वकन्या बोला गया है, गोल्ड डिगर, कॉन्ट्रैक्ट किलर, मर्डरर, अ विच हु प्रैक्टिस्ड ब्लैक मैजिक, अ बंगाली वुमन हु कास्ट हर स्पेल ऑन अ बिहारी बॉय. इट्स रियली सैड कि इट्स 2020 और इंडिया में अभी भी ये एक प्राइस पे करना पड़ रहा है मुझे जस्ट बिकॉज मैं उनकी लाइफ में हूँ, जस्ट बिकॉज मैं उनसे प्यार करती थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज लिविंग विथ हिम. कोई ये क्यों नहीं सोचता दैट मे बी आई वॉज केयरिंग फॉर हिम, मे बी आई वॉज लुकिंग आफ्टर हिम, आई लव्ड हिम. लोग ये नहीं समझ पाते जो सारे लोग सुशांत से इतना प्यार करते हैं और जो आज सुशांत के लिए इतना लड़ रहे हैं, अगर वो सुशांत से प्यार कर सकते हैं फॉर नो रीजन, तो वो क्यों नहीं ये समझते कि मैं भी उनसे फॉर नो रीजन प्यार कर सकती थी जस्ट बिकॉज ही वॉज सच एन अमेजिंग गाय. ही वॉज हैंडसम, ही वॉज चार्मिंग, ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज काइंड एंड ही ट्रीटेड मी रियली वेल. तो क्या ये रीजन्स काफ़ी नहीं है एक एक औरत के लिए किसी से प्यार करने के लिए? आप बताइए मुझे, क्या ये काफ़ी नहीं होता है कि उन्हें गोल्ड डिगर होना जरूरी होता है, उन्हें मैनिपुलेटिव होना जरूरी होता है, उन्हें विश्वकन्या होना जरूरी होता है? ये सब चीजें जरूरी हैं क्या? क्या आप किसी से उनके लिए नहीं प्यार कर सकते? रिया, कोई स्पिरिचुअल हीलर जिनके पास आप ले जाती थी? मैं ले जाती नहीं थी. एक बार दो बार मोहन जोशी करके एक हीलर है जिन्हें गूगल पे ढूंढ निकाला था सुशांत ने एक्चुअली, और मुझे कहा था कि इन्होंने इनके आर्टिकल्स थे कि इनके हाथ में हीलिंग पावर है और ये जहाँ भी रखते हैं वो चीज़ ठीक हो जाती है. तो सुशांत उस वक्त एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या पता ये मुझे ठीक कर दें, और इसलिए वाटरस्टोन में वो आए थे सुशांत से मिलने और उन्होंने सिर्फ इतना किया 5 मिनट के लिए. एंड ऑनेस्टली पहली बार सुशांत को काफ़ी बेटर लगा और दूसरी बार ही वॉज उनको थोड़ा अच्छा तभी भी लगा. और इट वॉज जस्ट हीलिंग विदाउट एनी थिंग. ही इज अ हैंड हीलर. इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं. सुशांत को भी ये गूगल पे ही मिले थे. सो इट हैपेंड ओनली वंस एट वाटरस्टोन. डिड यू कॉल एनी ऑफ दीज हीलर्स और जादू टोना वालाज इन योर होम, जिस अपार्टमेंट में आप रहती थी सुशांत के साथ? जी नहीं, ना हीलर्स ना जादू टोने वाले आए थे. डॉक्टर्स आए थे. डॉक्टर कर्सी चावड़ा सुशांत को अक्सर विजिट करते थे ऑन अ वीकली बेसिस. हर 10 दिन में घर मिलने आते थे, उनसे बात करते थे, उनका प्रिस्क्रिप्शन चेंज करते थे, दवाइयाँ कम या ज़्यादा करते थे. दैट्स अबाउट इट. ऐसे कोई अतरंगी टाइप के लोग, कोई ब्लैक मैजिक या जादू टोना नहीं हुआ है यहाँ पे. रिया, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट अंकिता लोखंडे एंड ऑल द चार्ज दैट शी इज लेवलिंग अगेंस्ट यू? सबसे खराब बात है कि वो उनसे अगर प्यार करती थी और उनके साथ रही थी तो वो कैसे नहीं मेरा पेन देख सकती हैं. दूसरी बात, उनसे उन्होंने 4 साल में बात नहीं की है, ये उनका ही स्टेटमेंट है अभी जो मैं जानती हूँ. और उनके घर में रह रही थी, उनके फ्लैट में रह रही थी. उन्होंने एक पार्ट का पिक्चर दिखाया है कि उन्होंने एक पार्ट का पेमेंट किया है 1 करोड़ का, बाकी के 3-4 करोड़ सुशांत के पैसे हैं जिसकी ईएमआई वो आज तक भर रहा है और भर रहा था. उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगी कि बीच की जो 403 के बारे में बात नहीं करेंगी, बीच की जो दीवार टूटी थी, उनका उनकी उनका फैमिली उनकी फैमिली वहां रह रही थी और सुशांत बिल्स पे कर रहा था जिनसे उनकी बात नहीं हुई 4 साल में. मुझे तो ये फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन लगता है. और कैसे कन्वीनियंटली उन्होंने ये वाला रूप लिया है कि वो उनकी विधवा है जबकि वो किसी और के साथ एंगेज हैं जो कि सुशांत और अंकिता के दोस्त थे ड्यूरिंग उनके रिलेशनशिप के दौरान. सुशांत की एक पिक्चर भी है उनके साथ. तो ये मुझे काफी वियर्ड लगता है कि वो उनके ही दोस्त के साथ रिलेशनशिप में, उनके ही घर में रह रही थी, उनसे 4 साल से बात नहीं की, लेकिन ये भी क्लेम करती हैं
कि सुशांत ने उन्हें एक साल फोन पहले फोन करके कहा कि मैं उसे हरास कर रही हूँ, पर आपकी तो बात ही नहीं हुई और आप उनके घर में रह रही हैं, आप झूठ बोलती हैं कि आपका सिर्फ एक पार्ट घर आपका है, आप उन्हीं के दोस्त को अभी डेट कर रही हैं या रिलेशनशिप में हैं, और आप यू आर प्रिटेंडिंग टू बी दिस अमेजिंग वुमन. ओके, व्हाई इज कंगना रनावत लीडिंग दिस चार्ज? इज शी सेटलिंग सम स्कोर्स एज द लॉयर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत्स फैमिली इज सेइंग, और डिड शी एवर हैव हर ओन इक्वेशन विद सुशांत बेस्ड ऑन व्हिच शी इज सेइंग ऑल दिस? She has herself said कि वो उनसे कभी उनने कभी बात नहीं की है या कभी मिली नहीं है. मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रही हैं और क्या नहीं बोल रही हैं. I know she's talking about nepotism etc. I just know that there are certain things that she's saying are right, like the Me Too allegation that really affected Sushant. जो Me Too movement हुआ था उसमें उनको wrongly vilify किया गया था, जैसे आज मुझे wrongly vilify किया जा रहा है और मेरे परिवार को. उस मी टू मूवमेंट में उनकी कोसा संजना सांघवी ने कहा कि उन्होंने उनके साथ बुरी हरकत की, सेक्सुअल हरासमेंट किया, यही मतलब है मी टू का एट वर्क, और काफी समय तक उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी और इस बात से सुशांत काफी डिस्ट्रॉयड थे और उन्हें लगता था कि संजना सांघवी की सिर्फ एक कौन है और शायद उनके पीछे कोई और हो. कौन है मैं चाहती हूँ इस बात की इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले. कंगना मैम ने एक और बात की है जो एक्चुअली करेक्ट है कि उन्हें किसी भी अवार्ड शो में नॉमिनेट नहीं किया जाता था. उनकी फिल्म सोन चिड़िया और छिछोरे इतनी अच्छी फिल्म्स होने के बावजूद इनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ था. इनकी फिल्मों का भी हो जाता था लेकिन सुशांत का नहीं होता था. इतने सारे ब्लाइंड आर्टिकल्स लेके जाते थे सुशांत के बारे में कि ही इज अ स्कर्ट चेजर, ही इज दिस एंड दैट. मैं 1.5 साल रही हूँ उसके साथ, ही वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैन. और जिन्होंने भी ये ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे हैं ये वही लोग हैं जो आज मुझे भी विलिफाई कर रहे हैं. सो आई अग्री विथ हर ऑन दीज पॉइंट्स. और ये चीजें उनको काफी अफेक्ट करती थी हर दफा, और कोई भी बुरा आर्टिकल आता था तो वो 3-4 दिन तक बहुत अफेक्टेड रहते थे. एंड इट्स जस्ट सैड कि कोई इन चीजों के बारे में अब बात नहीं कर रहा है. और जो जिस लड़की ने उन्हें अपना सब कुछ दिया है, इतना प्यार किया है, उसे एक डायन और चुड़ैल बना दिया गया है. रिया, डिड सुशांत एवर शेयर विद यू एनी डिटेल्स on nepotism? Did he hold anything against any of the Bollywood producers? Do you think the so-called movie mafia could have played a part in his death? Actually, he felt that this Me Too movement was a very well-planned and orchestrated strategic movement. Because it's a very strange thing that कोई अपकमिंग एक्ट्रेस लाइक संजना सांघवी या मैं, अगर मैं किसी के साथ फिल्म कर रही हूँ और मेरे तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगा है उन पे कि 1.5 महीने तक मैं जवाब ही ना दूं या जितना भी टाइम उन्होंने लिया है, और मुझे पता ही ना चले कि ऐसा एलिगेशन लगा है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल एक्चुअली कि वो जवाब ना दें. और सुशांत को अक्सर लगता था कि उनकी फ्रेंड जिन्होंने हमें मिलाया है, रोहिणी अय्यर, और मिलाया था एज टू पीपल शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, वो शी सडनली बिकेम वेरी अलूफ अपने आप हम दोनों से. उन्होंने मुझे भी एक अजीब सा मैसेज भेजा था. उसके बाद उन्हें उनके साथ भी हॉट एंड कोल्ड रहती थी, कभी ब्लॉक करती थी, कभी कुछ बोलती थी. सुशांत फेल्ट दैट वो जो भी उनसे शेयर करता था वो ब्लाइंड आर्टिकल्स में आ जाता था, और ये एक सॉर्ट ऑफ अ नेक्सस है जिसमें संजना सांघवी को यूज किया गया है बाय सम लार्जर प्लान. उनके खुद के इंटरव्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड that ye plan kiya gaya to malign me, to ruin my reputation and to destroy me, and he said I feel really bad and I feel really misunderstood by it, and he continued to feel like that about it. And today I really understand the depth of that emotion because I am going through the same. Do you feel isolated, cornered ki aaj aapke sath koi khada nahi hai? Bollywood mein aapke bahut sare dost hain, कोई आपके साथ या आपके फेवर में बोल नहीं रहा? जी, आई डू फील रियली सैड कि जिन भी लोगों को कम से कम, मैं इतना नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती तो तब तक आप मुझे एक मर्डरर और एक टेररिस्ट ना बनाइए. प्लीज लेट द एजेंसीज डू देयर जॉब. लेकिन कोई भी मेरे लिए नहीं खड़ा उतरा है, किसी ने भी मेरे लिए नहीं आवाज उठाई है कि ये एक लड़की है और इसका परिवार है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है.
ये एक इनोसेंट लड़की हो सकती है, तो क्यों आप इन्हें जीते जी मार रहे हैं? मैं चाहूंगी कि लोग खड़े हों, एक आवाज उठे कि कम से कम एक फेयर ट्रायल का हक तो एक टेररिस्ट को भी दिया जाता है, लेकिन मुझे तो उससे भी बुरा दर्जा दिया जा रहा है। मेरी मॉम शायद हॉस्पिटल में एडमिट हो सकती हैं, उनका मेंटल ब्रेकडाउन इतना बुरा हुआ है, एंड दैट्स व्हाट पुश्ड मी टू स्पीक, दैट्स व्हाट मेड मी ब्रेक माय साइलेंस। रिया, व्हाट इज वन थिंग दैट हैज हर्ट यू द मोस्ट इन दिस एंटायर थिंग? दैट आई लॉस्ट द लव ऑफ माय लाइफ, और वही बंदा आप सबको बता सकता था कि ये सारी चीजें मेरे बारे में बकवास है और झूठ है, और आज वही यहाँ नहीं है, और मुझे उनके उनके बिना जीना नहीं आता, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए इतने इम्पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस बना दिए गए हैं कि आई डू फील दैट द ओनली ऑप्शन लेफ्ट मी वुड बी टू डाई समटाइम्स इफ आई डिडंट हैव द ट्रूथ बाय माय साइड एंड इफ आई डिडंट हैव द स्ट्रेंथ दैट आई नीड टू फाइट बैक एंड आई डोंट नीड टू लेट देम विन बिकॉज दे आर लायर्स एंड दे आर doing this to malign me and they're doing this, it's a witch hunt. If I didn't have this strength, ma'am, probably my life would have been over too. Rhea, let's go back to the main question now. What happened to Sushant Singh Rajput? I really want to know what happened. I really want to know why it happened, how it happened, and is there a reason behind it, and is there a person behind it? I am not the authority on this. I was not there on those days, and I mean, लोगों को क्यों लगता है कि I don't want justice for Sushant? मेरा right है ये. I want justice for Sushant, but in the meantime, I also want justice for my family. They are going through something very unfair. We only loved him as our own. We only supported him in every way possible. And aaj hume ek fair trial bhi nahi mil sakta. Based on kya? Based on allegations. Ab khud dekhiye kitne inconsistent hai ye allegations. Log, why can't people see through this? Why can't they? The sisters who claim that they didn't know he was suffering, that I was hiding it from them. Unke khud ke messages mein aisa hai Instagram aur Facebook pe ki wo jante the aisa hai. Wo delete karke fir apni kahani badal dete hain. Wo bolte main unhe isolate kar rahi thi, jabki unki khud ki photo hai unki sister aur jija ke saath Feb mein. Wo kisi coffee shop Bandra mein baith ke unke saath has rahe hain aur khana kha rahe hain. To agar wo isolate kar rahe the, to aisa kyun hai? Ye main bahut practical cheez se bol rahi hu ki logon ko ye dekhna chahiye ki अगर आइसोलेशन था तो वो उनके साथ क्यों थे? अगर मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं पता था तो उनकी सिस्टर ऐसा ऐसा क्यों लिख रही थी मेंटल हेल्थ के बारे में पहले और फिर उन्होंने डिलीट कर दिया? तो मैं बस एक एक कॉमन सेंस और एक फेयर लेंस से देखने की अपील करती हूँ हर एक इंसान से, ताकि मुझे एक फेयर ट्रायल मिले और मुझे मौका मिले टू प्रूव माई इनोसेंस। आई थिंक ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो मुझसे छीन लिया जा रहा है, इसलिए मैं दरख्वास्त कर रही हूँ कि मुझे इतना तो मिले। और दूसरी बात, ग्रीविंग जो कि एक बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए, उसका भी लग्जरी नहीं है मेरे पास। मेरे पास टूटने की लग्जरी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस फेस कर रही हूँ और मेरे पास ये लग्जरी नहीं है कि मैं चैन से बैठ के रो पाऊँ, क्योंकि मेरा रोज कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर मैं टूट गई तो मुझे दवाइयां लेनी पड़ेंगी और मैं वहां नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं लड़ना चाहती हूँ। रिया, सुशांत की स्टोरी में बहुत एस्पिरेशनल वैल्यू है। बिहार का एक लड़का मुंबई में आके ए लिस्टर बनता है, इसलिए शायद इस स्टोरी में इमोशंस अटैच्ड हैं। इंडिया वॉन्ट्स टू नो द ट्रूथ एंड दैट इज द रीजन वाई देर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी। व्हाट ब्रॉट यू एंड सुशांत टुगेदर? एक्चुअली ये जो बात है कि वो एक स्मॉल टाउन से है और वो यहाँ बॉम्बे आए हैं अपने दम पे कुछ बनाने के लिए, यही हमारा सबसे बड़ा बॉन्ड था। क्योंकि जब
पहले भी हम दोस्त थे, बिफोर वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर 2019 के पहले जब जब हम मिले हैं, हमारी यही बात होती थी. और वो मुझे हमेशा कहता था कि तू कमाल की लड़की है, अपने दम पे करेगी. एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली पुश मी, ही वाज समवन हु इंस्पायर्ड मी. एंड हम लोग भी इसी बात पे कनेक्ट करते थे कि हम दोनों स्मॉल टाउन से हैं, हम बाहर के हैं, हम आए हैं मुंबई कुछ करने. एंड मैं बहुत ज्यादा गर्व करती थी उनपे कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया. एंड आई एक्चुअली फेल्ट प्राइड जब मैं उनकी फिल्म देखती थी या जब वो अच्छा काम करते थे. एंड इट्स रियली फनी कि मैं भी एक आउटसाइडर हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. मेरे पापा आर्मी में थे, मेरे मॉम एक हाउस वाइफ है, मेरे कोई ऐसे कनेक्शंस नहीं है. मैं भी एग्जैक्टली वही कर रही हूँ, येट कभी मुझे बॉलीवुड माफिया से कनेक्ट किया जाता है, कभी किसी से. कोई ये क्यों नहीं सोचता कि शायद सुशांत और मेरी कहानी एक जैसी है और शायद इसीलिए हम एक साथ हुए. रिया चक्रवर्ती, आई सर्टेनली होप दैट ट्रूथ कम्स आउट. व्हाट इज जस्टिस फॉर सुशांत टुडे फॉर यू? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैम, इसकी लोग उनके बारे में, उनकी मेमोरीज को ऐसे गंदी तरह बुचर ना करें, उनके बारे में फॉल्स चीजें ना बोलें जब तक कि प्रूफ नहीं आता, जब तक कि वैलिडेशन अथॉरिटी से नहीं आती, उनकी मेमोरी को ना खराब करें. ही वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉय. उनको उनके ड्रीम्स के लिए याद करो, उनको उनकी फिल्मों के लिए याद करो, उनको उनकी चैरिटी के लिए याद करो, उनके इंटेलिजेंस के लिए याद करो. लेकिन ऐसी चीजों में फेक रूमर्स बना बना के उनको प्लीज याद मत करो. और उनको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि लोग ये मनगढ़ंत कहानियां तभी बंद करेंगे जब सीबीआई इंक्वायरी होगी और जस्टिस सामने आएगा कि सच क्या है. तो सुशांत का असली जस्टिस ये होगा कि लोगों को सच पता चले, उसकी फैमिली को भी सच पता चले, मुझे भी सच पता चले, और लोग सुशांत के बारे में ये सब चीजें ना बोले. प्लीज रिस्पेक्ट, इफ यू कांट रिस्पेक्ट द लिविंग, एटलीस्ट रिस्पेक्ट द पीपल हु हैव पास्ड. Riya Chakravarti, I am thankful you agreed for this interview, and we certainly hope that Sushant Singh Rajput gets justice and this out of court trial that's happening in this case, particularly against you, should stop. Fair trial is what you deserve, and justice for Sushant is what all of us want, and the truth must come out. Riya Chakravarti, thank you so much for your time, and thanks for speaking to Network 18. Thank you, ma'am. जर आपण सार्वजनिक गणेश